कोरोना की नई लहर का कहर, कोरोना के नए वेरिएंट से मचा हाहाकार, अस्पतालों और शमशानों में लाइन। कोविड का नया सब वेरिएंट JN1 पिछले महीने से दुनिया भर में फैल रहा है और नए वेरिएंट ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के इस वेरिएंट के फैलने से चीन में बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है और मरने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि वहां शमशानों में 24 घंटे काम करना पड़ रहा है और शवों को इंतजार करना पड़ रहा है। कोविड के इस नए वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है और कहा है कि हाल के दिनों में हमने देखा है कि JN.1 के मामले कई देशों में रिपोर्ट किए गए हैं। ये दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.86 से बना है। ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हमें नए वेरिएंट के रूप में इसे वर्गीकृत करना पड़ रहा है। चीन के हेनान प्रांत में स्थानीय लोगों ने स्थानीय अखबारों से कोविड की स्थिति को लेकर बात कही है। उन्होंने बताया कि कोविड के कारण स्थिति कितनी खराब है। एक व्यक्ति ने दावा किया है कि सरकारी शमशानों में इतने अधिक मृत लाए गए हैं कि भीड़ बढ़ गई है और शमशानों में 24 घंटे शव जलाए जा रहे हैं। मिस्टर झाओ नाम के एक शख्स ने कहा, फ्यूनरल होम में 8 शमशान हैं, 8 शमशानों में 24 घंटे शव जलाए जा रहे हैं, जो काफी डरावना है। मरने के बाद जलाने के लिए जो है वो लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। नए वेरिएंट ने आपको बता दी कि भारत में भी लगातार चिंता बढ़ा दी है।